हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उन टेक्निक्स को जिनके द्वारा आप अपने प्लेसिबो को एक बार फिर इग्नाइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि सबसे अगर पहला सुख है तो वो तभी हमें मिलता है जब हम हेल्दी होते हैं। लेकिन आज 21st सेंचुरी में जहाँ हमारे पास सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं, बेहतर कम्युनिकेशन है, बेहतर ट्रांसपोर्ट है, बेहतर मेडिसिन है, पर हमारी सेहत ख़राब होती जा रही है। ऐसा लगता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इनके साथ साइकोसोमेटिक डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़, ये हर एक घर की एक कहानी बन चुकी है। आखिर कहाँ गलती है, कौन सी चीज़ों को ठीक करना होगा, मैं आपके साथ चार चीज़ें शेयर करूँगा। एक एक स्टेप मैं आपके साथ जब शेयर कर रहा हूँगा तो मैं डिटेल में चीज़ों को बता रहा हूँगा। शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो ऐसे ही खूबसूरत वीडियोज़ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक है, उन्हें एंजॉय करिएगा और मेरी बाकी जो वीडियो टाइमलाइन है उसको भी आप देखिएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। अंत तक देखिएगा कि किस तरह से आप आज ही इसी वक्त अपनी लाइफ के खूबसूरत मोमेंट को एक बार फिर रिगेन कर सकते हैं और आप अपनी हेल्थ को रिक्लेम कर सकते हैं। पहले स्टेप में हम बात करते हैं कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो उनके विचार या उनके बिलीफ क्या हैं बीमारियों के लिए। कई बार हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि बीमारियां किसी देवीय पाप का नतीजा है, हमारे कर्माज का नतीजा है, और यहीं पर बहुत सारे बिलीफ लोग लेकर चलते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा बिलीफ है तो उसको आज आपको ख़त्म करना होगा। ये बिलीफ मेनली कौन कौन से देखे गए हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले स्टेप में पहला बिलीफ जो लोग लेकर चलते हैं वो ये है कि जो सफरिंग है ना वो बड़ी नेचुरल है और वो कॉमन है। वो ये मानते हैं कि जो संकट आ रहे हैं, ये जो दुख आ रहे हैं, ये जो बीमारियां आ रही हैं, ये सभी को आ रही हैं, और अगर ये सभी को आ रही हैं तो ये नेचुरल है। क्या ये बिलीफ आपको कहीं ले जाता है? क्या इस बिलीफ से कभी आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे? क्या ये बिलीफ किसी काम का है? मैं लोगों से जब ये सवाल पूछता हूँ तो अचानक उनके चेहरे पर एक क्वेश्चन आ जाता है। वो कहते हैं हाँ ये तो ठीक नहीं है। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूँ तो क्या ये सचमुच में एक सच है या कुछ लोगों की ओपिनियन लेकर आप चल रहे हैं? और यहाँ पर भी उनके चेहरे पर एक डाउट आता है और वो कहता है कि ये सच तो नहीं है। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में भी यंग हैं और वो एनर्जेटिक है और हेल्दी भी हैं, लेकिन कुछ एक परिस्थितियों में कुछ लोग बीमार पड़ गए हैं। और मैं अक्सर लोगों को यही बताता हूँ कि तूफान में सारे पेड़ नहीं गिरा करते, रिसेशन में सारी कंपनीज बंद नहीं हुआ करती, क्राइसिस में, संकट में सारे खानदान नहीं टूटा करते। ये उन्हीं के साथ होता है जिनको होना होता है। यही चीज़ आपकी बीमारियों के साथ भी याद रखिएगा लागू होती है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की मैं एक बार बुक पढ़ रहा था और उनको मैंने लाइव भी सुना। उनका कहना था कि आप एक फुटबॉल में किक मारें और वो फुटबॉल एक 20 मंजिला इमारत में लगे और वो 20 मंजिला इमारत गिरने लगे तो ये मत सोचिएगा कि आपके फुटबॉल में बहुत शक्ति थी। नहीं, असलियत में ये बिल्डिंग इतनी कमज़ोर हो गई थी कि इसे एक फुटबॉल का ही बहाना चाहिए। यही हमारे साथ भी होता है। हमारे अंदर हमारी हीलिंग इंटेलिजेंस, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी बैक्टीरिया को मारकर हमें किसी भी सिचुएशन में और किसी भी स्टेज पर ठीक कर सकती है, पर हमारे बिलीफ हमारे इम्यूनिटी को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। ऐसा ही दूसरा बिलीफ जो लोग लिए घूमते हैं वो ये है कि आई कांट डू एनीथिंग, अब तो मैं बीमार हो गया और मैं क्या करूं। याद रखिएगा इमीडिएटली वो एक ऐसी सिचुएशन को शो कर देते हैं कि मानो अब सब कुछ बर्बाद हो गया हो और वो अब कुछ नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि अब सिर्फ मेडिसिन ही कुछ कर सकती हैं, उन्हें लगता है कि डॉक्टर्स ही कुछ करेंगे, उन्हें लगता है कि लक ही कुछ करेगा, यानी कि वो पूरी तरह से सरेंडर कर चुके होते हैं उस सिचुएशन के सामने। मैं निश्चित रूप से यही कहूँगा कि आपको डॉक्टर के भी जाना है, आपको दवाई भी लेनी है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप चाहते हैं तो किसी भी समय एक ऐसा बिलीफ और एक ऐसा प्लेसिबो या एक ऐसा हीलिंग एनवायरनमेंट आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं कि आप एक बार फिर दोबारा अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये लोगों के बिलीफ हैं कि ये बीमारी अगर इस स्टेज में है तो ये ठीक नहीं होगी, इस स्टेज में है तो ये ठीक हो जाएगी। आपकी बॉडी को इसका नहीं पता।
जब तक कि आप अपने बिलीफ से, आप अपने न्यूरॉन से और न्यूरॉन के अंदर जो ट्रांसमीटर हैं इस नेगेटिव विचार को अपनी सेल को नहीं देंगे, तब तक आपकी सेल जानती है कि वो किसी भी स्टेज में अपने आप को ठीक कर सकती है। पर हम क्या बिलीफ लेकर चलते हैं, नाउ व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या कर सकता हूँ। यही कारण है कि जब अगर आप वेदांत में और या फिर इंडियन सिस्टम में देखें बीमारियों को ठीक करने का, तो वहाँ एक ही बात की जाती है कि आदमी को ठीक किया जाता है, बीमारी को नहीं। जबकि आज मॉडर्न मेडिसिन आदमी को ठीक नहीं करती, वो बीमारी के लक्षण को ठीक करती है। मैं आज भी आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी बीमारी से इस समय सफ़र कर रहे हैं, एक बार कंधे खड़े और या सीधे करके एक बार लंबी सी सांस लेकर एक इंटरनल बिलीफ को क्रिएट करिएगा, जो मैं स्टेप नंबर 2 में कराने जा रहा हूँ। तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिलीफ लोग ये लेते हैं कि जो लाइफ की सिचुएशंस हैं, लाइफ की जो ट्रेजडीज हैं, लाइफ के जो ट्रॉमास हैं, लाइफ की जो हमारे ऊपर सफरिंग है, वो मुझसे बड़ी है। और वो हमेशा ये मानते हैं कि वो लाइफ से छोटे हैं, लाइफ के जितने भी रोल हैं वो उनके लिए पहाड़ की तरह हैं। और यहीं पर वो एक गड़बड़ करते हैं कि वो एक विक्टिम की तरह अपने आप को देखने लगते हैं और इस विक्टिमाइजेशन में वो अपना नुकसान कर लेते हैं। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं या हमें कभी भी कोई भी न्यूज़ मिलती है पैथोलॉजिस्ट के द्वारा, हमारे फिजिशियन के द्वारा या फिर हमारे रिलेटिव के द्वारा कि आप बीमार हो गए, इमीडिएटली आपकी जो पिक्चर है ना आपके मेंटल स्क्रीन पर, वो इमीडिएटली डरावनी पैदा हो जाती है। और कई बार मैंने लोगों को देखा है कि जैसे ही उनको पता चलता है बीमारी का, विद इन सेकेंड्स उनके पास इतनी सारी इमेजेस आ जाती हैं कि फ्यूचर में अब उनके साथ साथ क्या क्या होने वाला है और उनके जीवन का क्या क्या हश्र होने वाला है। उस समय अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस वक्त तुम्हारे पास कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें आपको सुकून मिल रहा है, तो उनका जवाब बिल्कुल ना मिलता है। कहने का मतलब है कि आपने अपने न्यूरॉन को इस समय एक बड़ी विशेष अवस्था में ले जाकर हिप्नोटिक ट्रांस में डालकर अपने न्यूरॉन को सिर्फ एक ही पिक्चर दी है और वो दी है कि अब आपका हश्र बेसिकली दुविधापूर्ण है, संकटपूर्ण है या खतरनाक है। और वही मैसेज वो हमारे न्यूरॉन हमारी सेल्स को देने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बीमारी की खबर लोगों को अधिक परेशान करती है या मारती है, बीमारियां नहीं मारती हैं। ये पाया भी गया है कि जब जब लोगों को नहीं बताया गया कि उनको बीमारी हुई है और उनको कोई बिलीफ दिया गया तो उन्होंने ठीक कर लिया, पर जब उन्हें ये बताया गया कि उनको ये बीमारी है जो बड़ी खतरनाक है, फिर उनसे कहा गया कि तुम पॉजिटिव रहो, तो वो मात्र एक पॉजिटिव रहने की एक्टिंग तो कर रहे थे पर डीप डाउन उन्हें रोज डर लग रहा था। उनके सपने बदल गए, उनके सांस की जो क्वालिटी थी वो बदल गई, उनके इंटरनल वर्ल्ड का मेटाबॉलिक सिस्टम बदल गया और उन्होंने तय कर लिया डीप डाउन कि वो बीमार हैं और उनके पास कोई ऐसी पिक्चर नहीं है जो खूबसूरत हो। पांचवी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो ये है कि लोगों का एक बिलीफ बन जाता है कि आई एम हियर ऑन दिस अर्थ टू सफर। बहुत सारे लोग जैसे ही उनके पास कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जो उनके लिए ठीक नहीं है, बस वो एक ही बात कहते हैं, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। यानी कि वो पूरी तरह से ये मान लेते हैं कि हम डिजर्व करते हैं तो सफर करने के लिए ही करते हैं। ये पहले स्टेप में अगर आप देखेगा, अगर यही आपके बिलीफ हैं तो याद रखिएगा बीमारी फिर आपके द्वारा इनवाइट की गई है। और आप ये भी पाएंगे कि बचपन से लेकर अब तक यहीं कहीं आपको इस जर्नी में आज इनके रीजंस मिल जाएंगे। इन्हीं रीजन की वजह से आपने अपने हीलिंग प्रोसेस को, जिसका नाम है आपकी हेल्थ प्लेसिबोस, उनको आपने मार दिया है। लेकिन अब स्टेप नंबर 2 में इसे आप खड़ा कर सकते हैं और ये आपको करना भी चाहिए। एक लंबा सा सांस लेते हुए एक इंटरनल वॉइस क्रिएट करिए कि हाँ अब मैं इनको सीखना चाहता हूँ और एक दोस्त की तरह मेरी बात को लेकर चलिएगा। पहला बिलीफ लीजिएगा जो इस ह्यूमैनिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इस मानवता के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। पर क्या करें, वो पहले बिलीफ्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि दूसरे बिलीफ की जगह ही नहीं छोड़ते। अगर आपके घर में एक मरा हुआ चूहा पड़ा है तो उसकी बदबू आती रहेगी, अब कितना भी हवन करो कितना भी नहीं, मोमेंट के लिए हवन की खुशबू आ जाएगी, अगरबत्ती की खुशबू आ जाएगी, पर जो लॉन्ग टर्म बदबू है वो वही रहेगी। इसलिए उसे हटाने के बाद पहला बिलीफ क्रिएट करिए कि बेसिकली हीलिंग ही नेचुरल है, यानी कि आपका हेल्दी रहना ही नेचुरल है। और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, जब आप पैदा होते हैं आपके पास बहुत सारी जीन्स आपको मिलती हैं और उन जीन्स के ऊपर एक एक्सप्रेशन होता है और वो एक्सप्रेशन
99.9% होता है कि आपके पास हेल्दी लाइफ रहेगी। उसी एक्सप्रेशन को लेकर आपकी बॉडी अपनी प्रोटीन को बनाती रहती है और आप खूबसूरत तरीके से अपने 100 साल आराम से जीते हैं, कोई बीमारी आपको नहीं आती। लेकिन बीच में जो पहले स्टेप में आपको बिलीफ्स दिए गए हैं, दुनिया ये बिलीफ आपके कानों में डालती रहती है और अब आपकी जीन बदलने लगती है। आप कहेंगे कि वो जो 1% जीन है वो तो अपना इम्पैक्ट दे सकती ना, मान लेते हैं वो बचपन से कोई ख़राब है। मैं उसमें से भी आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, जिन बच्चों को वो जीन मिली थी जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि जिनके अंदर एक रिवेंज होता है, जो कई बार मर्डरर बनते हैं, जब उन बच्चों को एक बेहतर माहौल दिया गया तो ये पाया गया कि कुछ एक साल के बाद, यानी कि जब वो स्कूल में गए 2-3-4 साल के बाद, उनके अंदर जो रिवेंज था, गुस्सा था, और उनके अंदर जो मारपीट करने की जो उनके अंदर एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी जीन के ऊपर, वो बदल चुकी थी। इतना ही नहीं, वो क्लास में अपने टिफ़िन के जो फूड आइटम्स थे वो लोगों को या अपने साथियों को दे दिया करते थे। बड़े होकर वो बहुत बड़े एम्पैथ बने। एम्पैथ का मतलब है वो सहानुभूति के साथ दुनिया को जी रहे थे। उन्होंने मेडिकल साइंस को पूरी तरह से ये फेल कर दिया कि ये जीन बेसिकली मर्डरर बनाती है। याद रखिएगा, इपिजेनेटिक्स ये तय कर चुकी है कि हम अगर सही वातावरण अपने इंटरनल वर्ल्ड को दें तो हम किसी खराब जीन के साथ भी बेहतर जिंदगी को जी सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे भी। दूसरी चीज है, आपको एक बिलीफ आज देना होगा और वो ये होगा, यस आई डिजर्व द बेस्ट हेल्थ। जिस तरह से आप डिजर्व करते हैं हवा को, पानी को, जैसे डिजर्व करते हैं अपने स्पेस को इस पृथ्वी पर, जैसे डिजर्व करते हैं अपनी सांसों को, वैसे ही आज विजुअलाइज करिए कि आप डिजर्व करते हैं बेहतर हेल्थ। और जब आप इसे डिजर्व करते हैं तो फिर आप एक चीज़ और भी डेवलप करिए, और वो ये है कि आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। हो सकता है कि लाइफ के बहुत सारी घटनाएं आपके लिए ऐसी घटी हों जो बेहतर नहीं थी, मैं मानता हूँ, और उन घटनाओं ने आपके माइंड के ऊपर इनडेलिबल मार्क छोड़ा है, एक अमिट छाप छोड़ी है, और हो सकता है वो नेगेटिव हो, पर इस वक्त आपके पास एक च्वाइस है कि आप उस अमिट छाप से परे जाकर अपनी लाइफ को एक बार फिर रीडिज़ाइन करने के लिए उन एक्शंस को और उन थॉट्स को ले सकते हैं। और वो थॉट्स देने के लिए आपके पास लाइफ कोचेस हैं, आपके पास मेंटोर्स हैं, आपके पास बुक्स हैं, आप उनका सहारा लीजिए। किसी भी नेगेटिव बिलीफ में रहकर अपनी लाइफ को छोटा करने से आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। इसके बाद जो नवी चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें मैं आपके साथ एक ही बात को शेयर करूँगा, और वो है अहम ब्रह्माष्टमी, जिसे मैं सभी जगह लोगों को कहता हूँ, मैं ही हेल्थ हूँ। आज से ये बिलीव रखिए कि मैं ही हेल्थ हूँ, मैं ही प्लेसिबो हूँ, मैं ही वो सोर्स हूँ जिससे मुझे हेल्थ मिलेगी, मैं ही वो एनर्जी हूँ जो बेसिकली हेल्थ हेल्थ को एंजॉय करना चाहती है। जैसे ही आप इस बिलीव को जिए, इसे बार बार रिपीट करें, रिपीट करके इसे फील करें। कई बार तो जब आपके पास समय है पूरी रात बोलते रहें, ठीक है ना, अगर नींद नहीं आ रही तो नींद भी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब जैसे ही आपका बिलीफ इंटरनल वर्ल्ड में बदलेगा तो जो आपका इंसोम्निया है, जो नींद इसलिए नहीं आ रही कि आपके पास एक थॉट है कि आप बीमार हैं, और अब बीमारी का थॉट धीरे धीरे जाने लगेगा, बिकॉज पहली बार आपका फोकस बीमारी से हटकर आपके एनर्जी या हीलिंग पर जाएगा तो आपको नींद भी आ जाएगी। दसवीं चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके पास एक खूबसूरत पिक्चर होनी चाहिए, ताकि आपके न्यूरॉन में जो गलत इन्फॉर्मेशन चली गई, हम उस इन्फॉर्मेशन को सबसाइड करने लगें, उस इन्फॉर्मेशन के साथ एक बाईपास भी तैयार कर दें, एक ऐसा हाईवे तैयार कर दें कि ये हाईवे ज़्यादा बेहतर हो। आप जानते हैं ना, जो रोड बेहतर होती है और दोनों एक डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो निश्चित रूप से हम बेहतर रोड को ही लेते हैं। तो ये नेटवर्क या हाईवे कैसे बनाना है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब भी इस हाईवे को बनाना चाहें तो स्टेप नंबर 3 पर आइएगा। स्टेप नंबर 3 पर हाईवे बनाने के लिए इमेजिन करिए कि आप एक बड़े क्यू मीन्स आप कह सकते हैं कि बड़े ट्रिगर या कारण के साथ जुड़ रहे हैं, बड़ी शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। और वो बड़ी शक्ति क्या हो सकती है, जिसे आप गॉड कहते हैं, ऑल माइटी कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि ये मिरेकुलस पावर है, उसे मैं कई बार गॉड ऑफ मिरेकल कहता हूँ। उसके साथ कनेक्ट करना शुरू करिए, आराम से बैठिए और
जिज्ञासु बनकर कनेक्ट फील करिए और रिसीव करना शुरू करिए उस एनर्जी को। आप कहेंगे कि इसका पूरा का पूरा तरीका क्या है, मैं आपको एक खूबसूरत सी वर्कशॉप दे रहा हूँ। 2 घंटे की एक वर्कशॉप में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी हीलिंग को यूनिवर्स से एक बार फिर लेना शुरू करें। जिस तरह से यूनिवर्स आपको हवा, पानी, रोशनी, बरसात दे रहा है, वैसे ही वो आपको हीलिंग देने के लिए भी वचनबद्ध है और ये आपका राइट भी है। आप कहेंगे कि उस वर्कशॉप को आप कैसे अटेंड करेंगे, मैं उसका लिंक इस वक्त अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसका नाम होगा मिरेकल रिट्रीट। ये 2 घंटे की वर्कशॉप आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर और आपकी हीलिंग प्लेसिबो को एक उच्चतम बिंदु पर ले जाएंगे। ये पूरी तरह से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ये मेरी गिफ्ट आपको है। हाँ, इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। अपना रजिस्ट्रेशन अभी कर लीजिएगा और डेट टाइम नोट करके आप उस समय इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करिएगा, जूम पर ऑनलाइन। चौथी चीज मैं आपको जो दे रहा हूँ वो ये है कि अब आप अपने माइंड को एक यकीन दिलवाएं कि इस वक्त से ही आप अपने आप को हील कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में जिस इंस्ट्रक्शन को मैं अब आपको फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ, अगर इस वक्त अपनी स्पाइन को सीधे करके बैठें और आप सिंपली एक लंबा सा सांस लेकर मेरे साथ जुड़ जाएं और एक एक्सरसाइज को करें, तो इसी वक्त से आपकी हीलिंग शुरुआत हो चुकी है। आपकी हीलिंग की शुरुआत जैसे ही होगी, आपकी एनर्जी बदलने लगेगी। आपको बस इतना करना है कि एक लंबा सा सांस लेकर कंधे सीधे करके आंखें खोलकर ही स्पाइन को सीधा रखते हुए इमेजिन करें कि कुछ दूरी पर आप अपने आप को एक वाइब्रेटिंग यू की तरह देख रहे हैं। इस वाइब्रेटिंग यू को ऐसा बनाइए कि ये वो मस्त बिंदास वाइब्रेटिंग यू है कि मानो वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी है। उसे स्कैन करिए और अगर आपको कोई बीमारी है, मान लेते माइग्रेन है, कल्पना करें कि जो सामने आप वाइब्रेटिंग यू को देख रहे हैं वो पूरी तरह से माइग्रेन से फ्री होकर अपनी लाइफ को बिंदास तरीके से जी रहे हैं। आपके पास मोटापा है, आपके पास कोई और डिजीज है, वाइब्रेटिंग यू पूरी तरह से ठीक हो चुका है। आप इस पिक्चर को अगले 10 मिनट तक बनाते रहें। इस खूबसूरत सी पिक्चर को बनाते हुए आप कनेक्ट फील करें यूनिवर्स के साथ, अपने बढ़िया से पर्पज को याद करें कि अगर वो पिक्चर आपको मिल जाए तो आप किन किन उत्सवों का आनंद लेंगे लाइफ में। उन आनंदों को, उन उत्सवों को बढ़िया तरीके से देखते हुए अब आप अपनी इमेजिनेशन को पूरा करें कि मानो चलते हुए आप वाइब्रेटिंग यू तक जा रहे हैं और आप उसे गले लगाकर उसके साथ इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेशन के दौरान आपको ऐसा लगेगा कि मानो पूरे शरीर में आपकी तरंगे चल रही हैं। इन तरंगों को कोई रंग देकर पूरी तरह से इस रंग में खो जाइएगा। जैसे ही आप इस रंग में, यानी कि इस खूबसूरत से रंग में खो जाएंगे, आपके माइंड के अंदर एक ही बात आएगी, आई हैव गॉट इट। याद रखिएगा, एक बार फिर मैं याद आपको दिलाता हूँ, ये यूनिवर्स वचनबद्ध है मुझे और आपको पूरी तरह से हेल्थ देने के लिए, क्योंकि इसने हमेशा अपने वचन को पूरा किया है। हम अच्छे रिसीवर नहीं रहे ये दूसरी बात है। याद रखिएगा, यूनिवर्स अपने एंड पर हमें लगातार हवा दे रहा है तो वचनबद्ध है कि हमें सेहत भी देगा। यूनिवर्स हमेशा पानी दे रहा है, सुबह हर रोज हमारे लिए सूरज निकलता है, हर रोज हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ जाती है। जिस तरह से बारिश होती है हमारे ऊपर, ये सचमुच में ब्लेसिंग्स नहीं है? याद रखिएगा, यूनिवर्स अपने वचन को निभा रहा है। बस अब आपको एक काम करना है, आप भी रिसीव करके इन खूबसूरत ब्लेसिंग्स को, इस वचन का पूरी तरह से आप भी आनंद उठाएं, आगे बढ़ते रहें। याद रखिएगा, योर हेल्थ लाइज इन योर थिंकिंग। आपकी सेहत आपकी सोच में है।